भागलपुर के बाईपास टीओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास रोड खुटाहा पुल के निकट अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसकी सूचना राहगीरों द्वारा बाईपास टीओपी को दी गई। सूचना मिलते ही बाईपास टीओपी थाना पुलिस के गश्ती पदाधिकारी अजय कुमार दलवल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए मायगंज अस्पताल पहुँचाया गया। हालांकि डॉक्टरों द्वारा घायल युवक को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं मृतक युवक की पहचान बीपुर थाना क्षेत्र के लत्ती पूर्व निवासी गणेश झा के पुत्र राहुल कुमार के रूप में हुई है। सुल्तानगंज जगुवानी पुल के पिलर संख्या 10 पर भारत का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनने वाला था, लेकिन जलीय जीव की खूबसूरती को नजदीक से देखने की आस अब लोगों की टूटती जा रही है, क्योंकि पुल का पिलर संख्या 9, 10, 11, 12 पूरी तरह से धाराशाही हो गया है, जिसके कारण कई जलीय जीव एवं डॉल्फिन के मरने की भी संभावना है। वहीं इसको लेकर वन प्रमंडल पदाधिकारी भरत चिंतापल्ली ने कहा कि अब तक किसी डॉल्फिन या जलीय जीव के मरने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो पुल निर्माण निगम एवं कंपनी के विरुद्ध अपनी ओर से कड़ी कार्रवाई करेंगे। बता दें कि इस पुल का निर्माण नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ अप्रूवल मिले बिना वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस डॉक्यूमेंट के बगैर ही निर्माण करवाया जा रहा था, जिसके विरुद्ध पहले भी वन प्रमंडल ने कार्रवाई की थी। साथ ही निर्माण को रोकने का भी निर्देश दिया गया था। DFO ने कहा कि फिलहाल प्रकृति से बिना छेड़छाड़ किए गंगा में गिरे मलबे को हटाया जाए ताकि जलीय जीव मूवमेंट फ्री हो जाए। क्योंकि अभी तक कोई जानवर के मरने का या किसी वाइल्ड लाइफ की क्षति का रिपोर्ट नहीं मिला है। फ्रेश ऑफेंस अभी बुक करने का मेरे को आवश्यकता एज ऑफ नाउ नहीं लग रहा है। अब न्यूज अगर डिफरेंट आएगा तो फिर हमको एक्शन लेना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट एक्शन। तो अभी मेन चीज यही है कि वहाँ पे जो रबल है उसको एनवायरमेंटली फ्रेंडली वे में हटा दिया जाए, ताकि जो भी वाइल्ड लाइफ है वो उनका मूवमेंट थोड़ा फ्री हो जाए। अभी कुछ कुछ पॉकेट्स हैं, मोस्टली डेबरी है, पर कुछ कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे यहाँ वहाँ मूवमेंट हो सकता है, बट पूरा अगर डेबरी हटा दिया जाए तो रिवर पूरा ही ओपन हो जाएगा। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के दादपुर से एक मामला सामने आया है, जिसमें एक 14 वर्षीय नाबालिग के साथ 21 वर्षीय युवक ने दुष्कर्म को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि इस बात की जानकारी लोगों को तब लगी जब नाबालिग बच्ची 6 महीने की गर्भवती हो गई। तबीयत खराब होने पर चिकित्सकों द्वारा इलाज करने पर बताया गया कि लड़की 6 महीने की गर्भवती है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि युवक उसी गांव का रहने वाला महेंद्र शाह का पुत्र अमित शाह है, जो पार्ट 2 में पढ़ाई करते हुए टेंट और मजदूरी का काम किया करता है। उस नाबालिग को युवक ने बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर महीनों उसके साथ दुष्कर्म किया। जब वह गर्भवती हो गई तो युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया। वहीं इसको लेकर नाबालिग युवती के पिता का कहना है कि वे मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, दिन भर मजदूरी के लिए बाहर रहते हैं। इसी दौरान उसकी बेटी के साथ डरा धमका कर काफी समय से गलत काम किया जा रहा था। साथ इस मामले को गांव के मुखिया सरपंच के पास रखा गया तो मुखिया और सरपंच ने साफ तौर पर कहा कि बेटी का गर्भ गिरा दो और 1,00,000 रुपये लड़के वालों की तरफ से ले लो, ये कहां तक उचित है। इधर नाबालिग लड़की के पिता ने आरोपी अमित शाह पर केस दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। हाँ, एक महिला थाना में केस हुआ उसका 23/23, इसके संबंध में खरीक का मामला है। लड़की द्वारा बताया गया कि उससे शादी के प्रलोभन देके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया और इसी में वो प्रेग्नेंट हो गई। फिलहाल लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है, लड़की नाबालिग है, उसका मेडिकल कराया जा रहा है, FIR दर्ज हो चुका है, गिरफ्तारी हो चुकी है। मेडिकल होने के बाद ही पता चला कि मैंने प्रेग्नेंट। SP सिंगला कंपनी की लापरवाही ने न केवल दो जिलों के बीच बंधने वाले गांठ को तोड़ा है, बल्कि दो दिलों और दो परिवारों के बीच होने वाले संगम को भी तोड़ दिया है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुल्तानगंज के स्थानीय निवासी मुकेश कुमार बताते हैं कि उनकी शादी अब तक नहीं हुई है, जबकि पुल बनने की खुशी में उनका रिश्ता अगुवानी में जुड़ा था, लेकिन अब उनको डर सताने लगा है कि कहीं शादी कर ले और फिर पुल बनने के बाद कोई हादसा हो जाए तो पति पत्नी दोनों काल के
गाल में समा जाएंगे, इसलिए या तो शादी नहीं करेंगे या करेंगे तो गंगा के इस पार ही आसपास में कहीं करेंगे। वहीं स्थानीय सिंटू कुमार ने बताया कि मेरी शादी उस पार अगुवानी में हुई है, लेकिन अब ससुराल नहीं जाएंगे, ना ही घर में अब किसी की शादी अगुवानी में कराएंगे। लोगों ने कहा कि सरकार इतना कमज़ोर पुल बनाती है कि वह बार बार गिर जाता है, तो ऐसे में इस पर कैसे भरोसा करेंगे। नदी में तैरकर बारात नहीं ले जाएंगे, इसलिए अब गंगा के उस पार रिश्ता जोड़ना ही नहीं है। पुल बनने से सुल्तानगंज और अगुवानी के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती तो दो दिलों के तार भी इन दो झीलों के बीच अधिक जुड़ते, लेकिन शायद अब ऐसा नहीं होगा। अब की पुल जब गिरी गले, अब कुछ आदमी शादी करती है, उन्नत कैसे होते शादी, कहना की जब पुल गिरी गले केना करते शादी। हम अभी नहीं करबे शादी, पुल बनते तब न। पुल अब नहीं बनते नहीं करबो ना, जब पुल अब नहीं बनते तो नहीं करी लो जी शादी, उधर नहीं करेंगे, नहीं पक्का नहीं करबे उन्ना शादी। देखै छै पुले गिरी गेलो छै, तब आबे आबे कि जाय छलिए वहां ससुरारी, इधर से बलरी लावे ले आबे आबा लोन भाई, कैसे घरम चूल्हा ऐसे रहते धरलो नहीं जेबो ससुराल, आबा कथिल जेबे केना जेबे पुल टूटी होतै कि नहीं, ब्याह शादी कैसे होते, केना जीते गाड़ी छकड़ा लेकर सरकार पुलिये दे डोज कम जोड़ करे कर। कैसा पुल रेडी है, बोलो रेडी, दो बार गिरी गले। मेरा नाम धनंजय कुमार है, मैं कोलकाता से हूँ। मेरे को पिछले तकरीबन 11 साल से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी, और उस बीच में अंग्रेजी दवा ले रहा था, तो उसमें जो है काफ़ी तरह का परहेज़ बताया गया था, जैसे कि चावल, मीठा, आलू वगैरह कुछ भी नहीं खाने का। फिर मैंने YouTube पे एक बार वीडियो देखा, जिससे कि मुझे लगा कि नहीं मेरे को एक बार दिखाना चाहिए, बट फिर मैं यहाँ पे आया। उस समय मेरा जो है अंग्रेजी दवा चल रही थी मेरी, और मेरा शुगर लेवल जो है खाना खाने के बाद जो है 230 था। इसके बाद मैंने सर को दिखाया, और मेरा जो है सर का दवा लेने के बाद अभी मेरा शुगर जब से मैंने लेना शुरू किया तब से बिल्कुल ही नॉर्मल रहने लगा, एक हफ्ता बाद से। और इसके बाद जो है अभी मैंने 5 महीना दवा खाने के बाद अभी मैं बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, और अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका। अगुवानी फोर लेन पुल की धाराशाही होने से काफ़ी नुकसान होता जा रहा है। बता दें कि पुल की धाराशाही होने से बनारस हल्दिया राष्ट्रीय जलमार्ग बाधित हो गया, जिसे गंगा नदी के बढ़ने से पहले नहीं हटाया गया तो यह मार्ग 4 महीने के लिए अवरुद्ध हो सकता है। बताया जा रहा है कि जून के अंतिम सप्ताह में एक मालवाहक जहाज हल्दिया से भागलपुर सुल्तानगंज के रास्ते बनारस को जाने वाली है, जिसके तहत अगर मलबा पानी के अंदर रह जाता है तो वह जहाज के लिए खतरनाक साबित होगा। अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि पिलर संख्या 8 और 9 के बीच से मालवाहक जहाज गुजारी जा सकती है, लेकिन वह खतरे से खाली नहीं है, इसलिए जून के अंतिम सप्ताह से पहले नदी में पड़े मलबे को जल्द से जल्द हटाना जरूरी है, जिसको लेकर बिहारपुर निगम कोशिश कर रही है। इधर श्रावणी मेला शुरू होने में भी अब बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आलम यह है कि पुल गिरने से काफ़ी मुश्किलें हो रही है। वहीं इसको लेकर जिला पदाधिकारी कुमार अनुराग ने भी जिला एवं विभाग के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर श्रावणी मेला शुरू होने से पूर्व सभी तैयारी पूरी कर लेने का निर्देश दिया है। श्रावणी मेला 4 जुलाई से होगी और नवरात्र के कारण 21 अगस्त तक चलेगी। तो अभी तक 30 दिनों का होता था, 63 दिनों का होगा ये, तो उसके आलोक में सभी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। अभी फिलहाल लगभग 1 महीना बचा हुआ है, इसके आलोक में जो टेंडर प्रोसेस है वगैरह की और सभी विभागों के साथ आज बैठक भी की गई है स्थल पर ही, ताकि जितनी भी छोटी मोटी समस्याएं हैं जो यहाँ पर लोगों को आ सकती है, आवासन से लेकर के शौचालय से लेकर के पेयजल की, सभी की समीक्षा हो सके। जितने भी लास्ट ईयर जो हम लोग की तरफ से तैयारी की गई थी उसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है। अगर ज़्यादा नल कर बेसिकली नल की आपूर्ति, जलों की आपूर्ति के लिए अगर हमें नल पर स्थापित करने होंगे या और वाटर टैंकर या आर ओ यहाँ पर सेटअप करना होगा, उन सबकी समीक्षा की गई है। बिहार कृषि समन्वय कार्य समिति की जिला इकाई के सदस्यों ने वेतनमान में संशोधन करने की मांग को लेकर बुधवार को जिला कृषि भवन परिसर में बेमियादी हड़ताल शुरू की है। वहीं समिति के जिला अध्यक्ष रितेश कुमार ने बताया कि सरकार जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं करेंगे तब तक सभी सदस्य काम छोड़कर हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार कृषि समन्वयकों से सिर्फ काम लेती है, जबकि काम के हिसाब से वेतन भी बढ़ाना चाहिए। साथ ही वेतनमान बढ़ाने के साथ साथ कार्यहित एवं राज्य हित
समीप में पदनाम को कृषि विकास पदाधिकारी किया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक उन सब की मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक सभी कृषि समन्वयक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। मौके पर कई कृषि समन्वयक मौजूद थे।